हेलो स्टूडेंट, टुडे वी हैव लर्न क्लास सिक्स मैथ चैप्टर थ्री एक्सरसाइज 3.7। इस वीडियो में ना हम लोग डायरेक्ट मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट ना सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में है ना कि हम लोग को फाइंड करना है एच सी एफ किस मैथड से, कंटिन्यू डिवीजन मैथड से। तो देखिए ना, लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने ना एच सी एफ फाइंड करने का दो मैथड पढ़ लिया था। इसे थर्ड मेथड जो है ना ऐसे फाइंड करने का वो पढ़ते हैं, जिसका नाम है कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो हम लोग ना क्या करते हैं, कंटिन्यू डिवीजन मेथड का यूज़ करके कैसे ऐसे फाइंड करेंगे उसको आज सीखते हैं। तो इस चैप्टर का ना मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ना मैं आप लोगों को ना पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, आप लोग को मैं करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, अगर इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग का समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। देखिए, तो कंटिन्यू डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं एचसीएफ, तो इसमें जो भी नंबर दिया हुआ रहता है ना, इन दो नंबर से ना हम लोग देखते हैं ना कि ना स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो जो स्मॉलर नंबर है उसको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो ग्रेटर नंबर है उसको लिखते हैं अंदर। अब क्या करते हैं, अब ना इसको डिवाइड करते हैं। क्या 63 के टेबल में 108 आता है क्या? तो नहीं आता है ना। तो देखिए, सपोज करें ना कि ये 60 है, तो 60 वन जा क्या होता है, 60 होता है, 62 जा 120 होता है। देखिए, तो 120 तो क्या है, 108 से ग्रेटर वैल्यू है, तो इसलिए ये ना टू टाइम्स में जाएगा नहीं, तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा वन टाइम्स में। तो 63 वन जा 63, ठीक है, 8 माइनस 3 होता है 5, फिर 10 माइनस 6 होता है 4, ठीक है। तो ये 45 को 45 छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर ऐसे फिर से करिए, और जो यहाँ पर वैल्यू है ना, ये वैल्यू डिवाइज़र जो रहता है उसको फिर से यहाँ लिखिए। 45 के टेबल में देखिए, ये मेथड जो है ना इसको बोलते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यू डिवीजन करते जाते हैं। तो देखिए, 45 के टेबल में 63 नहीं आता है, वन टाइम्स में कितना आता है 45, 13 माइनस 5 होता है 8, और 5 माइनस 4 होता है 1, 18 नहीं छोड़ दीजिए, फिर 45 देखिए डिवाइज़र जो यहाँ था उसको फिर से यहाँ पर लिख दिए। 18 के टेबल में ये नहीं आता है, 18 के टेबल में टू टाइम्स में आता है 36, 15 माइनस 6 होता है 9, 3 माइनस 3 होता है 0, फिर लिखेंगे यहाँ पर 18, 9 टू ज़ा 18। देखिए, कब तक इस मेथड में सॉल्व करते हैं, जब तक यहाँ पर क्या ना आ जाए, 0 0 ना आ जाए। अगर 0 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो इस केस में आंसर क्या आया, तो इस केस में आंसर ये आएगा, तो बोलोगे एच सी एफ ऑफ 63 एंड 108 इज इक्वल टू, देखिए जो डिवाइजर आता है ना लास्ट टाइम में, तो उसी को बोलते हैं कि आंसर है। तो कितना एच सी एफ, इसका एच सी एफ कितना है, 9 है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है 1 2 6 1, और यहाँ पर है 4 4 2 4 4 2। देखिए, तो ये कितने के टेबल में आता है, तो ना ये इसको ना देखिए, सपोज करिए कि ये 400 है, क्या है, ये 400 है, तो 400 वन जा 400, 400 टू टू जा होता है 800, 400 थ्री जा होता है 1200, तो मतलब 1200। तो देखिए, तो थ्री टाइम्स में क्या हो जा रहा है, चले जा रहा है, लेकिन देखिए ना ये ना 42 है, 42 है, मतलब कि जब 42 आएगा ना तो ना इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग टू टाइम्स में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टू 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 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 11 माइनस 4 होता है 7, 15 माइनस 8 होता है 7, फिर उसके बाद 11 माइनस 8 होता है 3 और 0। ठीक है, फिर जो डिवाइजर है उसको यहाँ पर लिखते हैं, तो 4 4 2, 377 टेबल में वन टाइम्स में आता है 377, 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 5 होता है, 13 माइनस 7 6 होता है, 4 माइनस 0 होता है 377। 65 के टेबल में ये सपोज करिए कि ये 60 है ना, तो 66 जा होता है 360, तो एक बार 65 सिक्स जा करके देख लेते हैं एक बार हम लोग, 65 6 जा 6 5 30 0 कैरी 3 6 36 36 3 39। तो देखिए ये ना सिक्स टाइम ज़्यादा था, तो हम लोग 5 टाइम्स करेंगे, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2 6 5 ज़ा 30 30 और 2 32 7 माइनस 5 2 7 माइनस 2 5 0, फिर यहाँ पर 65 लेंगे, 52 1 ज़ा 52,
फाइव माइनस टू थ्री, सिक्स माइनस फाइव वन। तो जब इसको आप ऐसे करोगे ना आगे में, यहाँ थर्टीन लोगे यहाँ फिफ्टी टू, ठीक है, तो थर्टीन थर्टीन फोर जो होता है फिफ्टी टू, तो कितना आ गया यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो आ गया। तो आप बोल सकते हो सेकेंड केस में एस सी एफ ऑफ फोर फोर टू एंड 1261 इज इक्वल टू, जो यहाँ लास्ट टाइम आता है ना वही आंसर होता है, ठीक है। तो यही है कंटिन्यू डिवीजन मेथड, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग को ना सॉल्व दिखा देता हूँ, एल सॉल्व कर रहा हूँ। एल कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, देखिए ना एल को सॉल्व करते हैं। तो एल में ना तीन नंबर दिया हुआ है, तो तीन नंबर हम सीखे नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग पहले ना दो नंबर को चूज़ करते हैं। तो दो नंबर भी कौन कौन सा, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उस नंबर को, और जो उससे ग्रेटर नंबर होता है उस नंबर को चूज़ करते हैं, और उसको पहले ना सॉल्व करते हैं। पहले ना दो नंबर कैसे फाइंड करते हैं कितना निकलता है, तो कैसे करेंगे कंटिन्यू डिवीजन मेथड से, तो सेम ऐसे ही करना है ना। पहले यहाँ लिखना है टू टू सिक्स वन, और यहाँ पर लिखना है थ्री ज़ीरो फाइव नाइन, ठीक है। तो देखिए ना ये टू टू सिक्स वन थ्री जीरो फाइव नाइन टेबल में कितने बार में आता है, तो देखिए ना टू टू सिक्स वन ना वन टाइम्स में आएगा। क्यों सर वन टाइम्स में, क्योंकि देखिए ना अप्रॉक्सीमेटली टू थाउजेंड है, तो टू थाउजेंड टू सा होता है फोर थाउजेंड, कितना होता है फोर थाउजेंड, तो ये टू टाइम्स में तो जाएगा नहीं, टू टाइम्स में तो क्या जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग ना वन टाइम्स में ही करेंगे। तो वन टाइम्स में कितना आ गया ये टू टू सिक्स वन, ठीक है। नाइन माइनस वन होता है एट, फिर हो जाएगा ये फिफ्टीन माइनस सिक्स होता है नाइन, फिर नाइन माइनस टू होता है सेवन, और ये ज़ीरो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ डिवाइज़र को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये है टू टू सिक्स वन, देखिए ये अप्रॉक्सीमेट एट हंड्रेड है ये, तो एट हंड्रेड बन जाए एट हंड्रेड, एट हंड्रेड टू जो होता है सिक्सटीन हंड्रेड, एट हंड्रेड थ्री जो होता है ट्वेंटी फोर हंड्रेड, तो थ्री टाइम्स में क्या जाएगा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये टू टाइम्स में जाएगा ये, तो टू टाइम्स में ये एट टू जा सिक्सटीन सिक्स कैरी वन, नाइन टू जा एटीन प्लस वन नाइन कैरी वन, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, माइनस करेंगे इलेवन माइनस सिक्स होता है फाइव, फिर फिफ्टीन माइनस नाइन, फिफ्टीन माइनस नाइन कितना होता है सिक्स, फिर हो जाएगा इलेवन माइनस फाइव सिक्स, और ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इस सिक्स सिक्स फाइव से डिवाइड करेंगे इसको सेवन नाइन्टी एट को, सेवन नाइन्टी एट, तो वन टाइम्स में आएगा सिक्स सिक्स फाइव, एट माइनस फाइव होगा थ्री, नाइन माइनस सिक्स होगा थ्री, सेवन माइनस सिक्स होगा वन, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे इसको लिखेंगे सिक्स सिक्स फाइव, तो सपोज करिए ना कि ये वन हंड्रेड है, तो वन हंड्रेड सिक्स जा होता है सिक्स हंड्रेड, लेकिन दिखने यहाँ पर ना थर्टी थ्री भी है, तो जब थर्टी थ्री से ना करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग ना फाइव टाइम्स करेंगे, फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव कैरी वन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सिक्स कैरी वन, फाइव वन जा वन सिक्स, मतलब कि ये क्या हो गया फाइव टाइम्स में पूरा ज़ीरो 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 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का एच सी एफ कितना आ गया, इन दोनों का एच सी एफ आ गया वन थर्टी थ्री, तो चेक करेंगे ना क्या इसका भी एच सी एफ वन थर्टी थ्री है, तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो हम लोग ना फिर से ना क्या करेंगे वन थर्टी थ्री से ना इसको डिवाइड करेंगे जो बच गया है नंबर। सर ये वन थर्टी थ्री कहाँ से आया बच्चे, ये यहाँ से आया है वन थर्टी थ्री, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करते हैं, अगर ये क्या करता है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो मतलब कि ये अगर रिमाइंडर जीरो जीरो आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा एच सी एफ हो जाएगा तीनों नंबर का, ठीक है। तो देखिए ना करते हैं डिवाइड, वन थर्टी थ्री के टेबल में ना देखिए ना फाइव टाइम्स में इतना आया था, तो वन थर्टी थ्री के टेबल में देखिए थ्री नंबर है, तो यहाँ पर थ्री नंबर को देखेंगे तो टू टाइम्स में देंगे, ठीक है। तो टू टाइम्स में कितना हो जाएगा सिक्स सिक्स टू, सर थ्री टाइम्स क्यों नहीं लिए बच्चे, थ्री टाइम्स ले देना तो क्या होता है ज़्यादा जाता, ठीक है। तो ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स होता है, ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स होता है, और टू माइनस टू क्या हो गया ज़ीरो हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम नोट करेंगे फाइव को, तो वन थर्टी थ्री के टेबल में ना देखिए ना फाइव टाइम्स में कितना आता है सिक्स सिक्स फाइव आता है, तो ज़ीरो 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 आ गया। तो देखिए ना क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो आप बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो, बोल सकते हो कि एच सी एफ ऑफ टू टू सिक्स वन थ्री ज़ीरो फाइव नाइन एंड थ्री थ्री टू फाइव इज इक्वल टू कितना आ गया वन थर्टी थ्री। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए ना बच्चे ऐसे ही क्या करेगा, आप सभी को सॉल्व करिएगा इसमें का, ठीक है ना। तो वैसे सॉल्व हो जाएगा, देखिए पहले ना क्या करेगा इस केस में ना, पहले इन दोनों को डिवाइड करिएगा, डिवाइड करके एच सी एफ निकालिएगा, जो जो एच सी एफ आएगा उसको इसे डिवाइड करिएगा,
अगर डिवीजन में क्या आता है, यदि इसको जब डिवाइड करेंगे ना, अगर 0 आ गया मतलब क्या क्या है, वही HCF है, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेगा कंटिन्यू डिवीजन मेथड, और बाकी जब अभी ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें भी ना कंटिन्यू डिवीजन मेथड ही यूज़ होगा, तो आप लोग ना और से सीख लोगे, तो इसका आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट वेट, क्या ग्रेटेस्ट वेट होगा, जब भी बच्चे आ जाए ना ग्रेटेस्ट, तो ना मोस्ट ऑफ द केस में क्या करते हैं हम लोग, HCF फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं हम लोग, HCF फाइंड करते हैं। तो वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट वेट डैट कैन बी मेजर एग्जैक्टली टू हीप कंटेनिंग 1050 किलोग्राम एंड 825 किलोग्राम ऑफ ग्रेन रेस्पेक्टिवली। मतलब कि देखिए ना क्या है, देखिए यहाँ पर पहले हीप का वेट कितना है, पहले हीप का वेट है 1050 किलोग्राम, और दूसरे हीप का वेट है 825 किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग निकालेंगे इसमें HCF। तो सिंपल कुछ नहीं करना है हम लोग को, क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है। तो सर HCF किस मेथड से निकालिए, तो बच्चे देखिए ना जब भी ना बड़े बहुत बड़े बड़े वैल्यू दिए हुए रहे ना, तो हमेशा ना कंटिन्यू डिवीजन मेथड का यूज़ करिए, ठीक है ना। हाँ, कंटिन्यू डिवीजन मेथड का यूज़ करने से क्या होता है, ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलोगे ना सिंपल सा बोलोगे, द ग्रेटेस्ट वेट, द ग्रेटेस्ट वेट डैट कैन बी मेजर इज इक्वल टू HCF ऑफ 1050 किलोग्राम एंड 825 किलोग्राम। मतलब कि इन दोनों का HCF निकाल देंगे, जो आंसर आएगा ना वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट वेट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो निकालते हैं, देखिए बहुत ही इजी है ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 825। हमेशा याद रखिए ना, जो भी दोनों में ना छोटा वैल्यू, जो भी स्मॉलर वैल्यू हो ना, उसको यहाँ लिखना है और ग्रेटर वैल्यू को यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो 825 के टेबल में 1 टाइम्स में आएगा, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, फिर 10 माइनस 8 2, ठीक है। फिर डिवाइज़र से मतलब जो रिमाइंडर आता है वो बन जाता है डिवाइज़र, और अब डिविडेंड क्या होगा, इसको यहाँ पर लिख देंगे 825 को। देखिए ये ना अप्रॉक्सीमेट, ये 4 टाइम्स में नहीं, ये 3 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में 5 या 15 5 कैरी 1। सर आप कैसे बोले तो कि 3 टाइम्स में जाएगा, बच्चे जी नहीं आता है ना आपको समझ में, तो आप क्या करिए, इसका टेबल बनाइए, ठीक है ना। टेबल बनाइए, और मोस्टली ना 2 या 3 तक के टेबल बनाइएगा, मतलब कि 225 1 जा, 225 2 जा, 225 3 जा, इतना ही आप बनाओगे ना, तो इतने में आपको दिख जाएगा ना कि हाँ कौन सा वैल्यू किसके अंदर, मतलब कि इसके नियरेस्ट में है। तो देखिए 3 5 3 15 कैरी 1, 3 2 6 7, 3 2 6 माइनस करोगे, 5 माइनस 5 होगा 0, 12 माइनस 7 होगा 5, और 7 माइनस 6 होगा 1, यहाँ जाएगा 225। 150 के टेबल में 1 टाइम्स में 5, 12 माइनस 5 7, 1 माइनस 1 0, यहाँ गया 75, यहाँ जाएगा 150, 75 2 जा होता है 150, तो कितना आ गया 0 0 0। देखिए 0 0 0 आ गया, मतलब कि इसका HCF कितना आ गया, तो बोलोगे ना डायरेक्ट यहाँ पर लिख दोगे इक्वल टू करके, एक स्पेस छोड़ करके ना नीचे से बनाइएगा, कितना रहेगा 75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोल रहा है, देयर आर 420 बॉयज़, 420 बॉयज़ है, 540 गर्ल्स इन ए स्कूल। मतलब कि टोटल एक स्कूल है, एक स्कूल में क्या है बच्चों, एक स्कूल में ना 420 तो बॉयज़ है और 540 क्या है गर्ल्स है, ठीक है। द परफेक्ट हैज़ टू मेक ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली, मतलब कि बॉयज़ लोगों का अलग अलग ग्रुप बनाना है, मतलब इसमें पूरे बॉयज़ बॉयज़ होंगे, और एक बनाना है गर्ल्स लोगों का ग्रुप, इसमें सारे क्या होंगे गर्ल्स गर्ल्स होंगे पूरे, ठीक है। ईच हैविंग इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि सभी में क्या होंगे इक्वल इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, ठीक है। मतलब कि ये इसमें यदि 100 है ना, तो इसमें भी 100 होंगे, इसमें भी 100 होंगे, इसमें भी 100 होंगे, ऐसे करके, ठीक है। हाउ मैनी मैक्सिमम स्टूडेंट कैन बी कैप्ट इन ईच ग्रुप, बताओ एक कि मतलब बताओ ना एक ग्रुप में ना कितने बच्चे आ सकेंगे। तो बच्चे जब भी ऐसा बोला जाता है ना कि ना मतलब कि ना इक्वल इक्वल बोल रहा है ना कि इक्वल आएंगे, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे हर एक ग्रुप में, तो इस केस में क्या निकालते हैं हम लोग, इस केस में निकालते हैं हम लोग HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग इस केस में, HCF निकालते हैं। देखिए तो HCF कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम वही करेंगे ना, क्या करेंगे सिंपल, इसको ना इससे डिवाइड कर देंगे, कंटिन्यू डिविजन मेथड से आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बताते हैं, तो बोलोगे मैक्सिमम स्टूडेंट कैन बी
kept in each group. मैक्सिमम स्टूडेंट कितने होंगे एक ग्रुप में, तो बोलोगे एच सी एफ ऑफ 420 बॉयज एंड 540 गर्ल्स, मतलब 420 या 540 का क्या निकाल दो, एच सी एफ निकाल दो। एक इस पे छोड़ दीजिएगा, यहाँ नीचे से सॉल्व करिएगा थोड़ा सा। यहाँ लिखोगे 420, यहाँ 540, 420 वन ज़ा 420 ज़ीरो 120, यहाँ लिखेंगे 420 ट्वेल्व थ्री जा जाएगा ये, ठीक है। तो 036 026 ज़ीरो 60 आ गया, यहाँ जाएगा 120 60 टू ज़ा 120। तो देखिए जो डिवाइज़र होता है वही हमारा आंसर होता है। तो कितने स्टूडेंट होंगे, 60 स्टूडेंट्स। देखिए इसमें बोला ये जा रहा है ना कि देखिए आपको मतलब समझा रहे हैं कि क्या है इसका मतलब क्या है। मैंने बोला था ना कि ना हर एक ग्रुप में कितने होंगे, हर एक ग्रुप में ना इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। तो देखिए मान लीजिए ना कि ना बॉयज़ का यहाँ पर ग्रुप बना, तो बॉयज़ का यहाँ पर ग्रुप बना, ठीक है। तो एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, 60 बच्चे, 60 60 60 60 60। तो टोटल हो गया ये 6 × 30 300, ये 360, ये हो गया 420, ठीक है। तो देखिए बॉयज़ में ना बॉयज़ टोटल कितने ग्रुप बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉयज़ टोटल 7 ग्रुप्स बने, ठीक है, जिसमें सभी पे क्या है 60 60 60 स्टूडेंट है। वैसे ही गर्ल्स के कितने ग्रुप बनेंगे, तो गर्ल्स के जब करोगे ना तो गर्ल्स के ना 9 ग्रुप बनेंगे और सभी में कितने स्टूडेंट रहेंगे, सभी में 60 60 60 स्टूडेंट रहेंगे। समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का मतलब यही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ना, थ्री ड्रम्स हैव 136 170 एंड 119 लीटर्स ऑफ ऑयल रेस्पेक्टिवली। मतलब कि तीन ड्रम्स है, तीन ड्रम है ना इतने इतने लीटर क्या है ऑयल है। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजर, देखिए ग्रेटेस्ट आ गया ना, इट मींस ना मोस्ट ऑफ द केस में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे फाइंड करते हैं। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ द सिंगल कंटेनर डेट कैन डिवाइड देयर ऑयल एग्जैक्टली। मतलब ये बोल रहा है ना कि ना वो ग्रेटेस्ट मेजर बताओ जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल को ना डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग एग्जैक्ट, मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया गया है, तो सेम ऐसे ही करेंगे ना, क्या क्या करेंगे इसका, एस सी एफ निकाल देंगे। तो एस सी एफ देखिए आप ना कंटिन्यू डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, या तो आप जो भी मतलब कि मेथड आप पढ़े हो एस सी एफ निकालने का उससे निकाल सकते हो। तो ना जब भी ना ऐसा नंबर आता है ना, जब भी थोड़ा सा आपको लगे ना कि हाँ इससे नहीं बन रहा है, तो आप क्या करो कंटिन्यू डिवीजन मेथड यूज़ करो, ईजिली बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले क्या लिखोगे, तो बोलोगे द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ द सिंगल कंटेनर, द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ द सिंगल कंटेनर इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 136 170 एंड 119 लीटर्स, ठीक है। तो इसका एस सी एफ निकाल लेते हैं, तो इसका एस सी एफ निकालने के बाद ना एक लाइन छोड़ दीजिए इसको, और फिर यहाँ से सॉल्व करिए जो इसमें से स्मॉलर वैल्यू उसको यहाँ लिखिए पहले, तो 119 फिर 136, तो 1 टाइम्स में 119, 16 माइनस 7 मतलब कि 16 माइनस 9 होता है, 16 माइनस 9 माइनस करो तो 7 आएगा, फिर 2 माइनस 1 1 आता है, यहाँ 0 119 17 17 के टेबल में ना 7 टाइम्स में 119 000, तो कितना आ गया 17 आ गया। लेकिन क्या करेंगे, अभी तो ये केवल इन दोनों नंबर का निकला है, इसका भी निकालेंगे ना, तो इसका निकालने के लिए कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आता है ना 17 इसको डिवाइड करते हैं इससे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम सही बना रहे हैं, अगर रिमाइंडर नहीं आएगा 0 तो हम गलत बना रहे हैं। तो 17 बन जा 17 000 आ गया, 0 डन करेंगे, 17 टेबल में 0 नहीं आता है, जिस नंबर किसी भी नंबर को नोट करते हैं अगर उसका यूज़ नहीं होता है तो क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो क्या आ गया कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, 000 आ गया। तो देखिए ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 17 लीटर्स आ गया। देखिए इसका मतलब समझा रहा हूँ, इसका मतलब बोलने का मतलब क्या था, बोलने का मतलब था ना कि ना ग्रेटेस्ट मेजर बताइए सिंगल कंटेनर का, मतलब कि एक ऐसा कंटेनर बताइए जिससे हम लोग ना मतलब कि देखिए ना ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहा है। सपोज करिए यहाँ पर तीन ड्रम रखा हुआ है, 1 2 3
थ्री ड्रम रखा हुआ है, एक में ऑयल है 136, एक में है 170 और एक में है 119 लीटर। तो मतलब एक ऐसा कंटेनर बताइए जिससे मैं क्या करूँगा, इसके ऑयल को, इसके ऑयल को, इसके ऑयल को निकालूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, तीनों के ऑयल को ना मैं ना निकाल सकता हूँ। तो ऐसा क्या है, 17 लीटर का वो कंटेनर होगा, मतलब कि 17 लीटर का जब मैं निकालूंगा ना तो इसमें फिर एक भी लीटर भी तेल नहीं बचेगा। मतलब कि 17, पहली बार में 17 निकाला, पहली बार में क्या निकाला, 17 निकाला, फिर 17 निकाला, फिर 17 निकाला, तो मतलब कि 17 17 17 का करूँगा ना तो ना ये क्या हो जाएगा, ये ना 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा, ये पूरा ड्रम खाली हो जाएगा पहला वाला। इसको जब करूँगा तो 17 17 17 निकालूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स में ये खाली हो जाएगा पूरा ड्रम। और जब तो जब इसको निकालूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब कि 17 लीटर ही ऐसा कंटेनर है ना, मेजर है ना, जिससे क्या करूँगा मैं, इन लोग तीनों के तेल को निकालूंगा ना तो क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली मतलब कि सभी के तेल को वो निकाल के ख़त्म कर देगा। वो समझ में आ गया जो बोला जा रहा है। देखिए मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट लेंथ, कितना ग्रेटेस्ट लेंथ होगा ऑफ द टेप, टेप का, डेट कैन मेजर द डिस्टेंस दिस वन एंड दिस वन एग्जैक्टली। तो देखिए जैसा ये क्वेश्चन बनाए थे ना वैसे सेम सेम ये भी क्वेश्चन है। पहले क्या करिए, पहले ना इन दोनों का एलसीएफ निकालिए, ठीक है, और जो आएगा ना उसको फिर इससे डिवाइड करिए। तो सेम वही है, तो देखिए ना जल्दी बता रहे हैं आप लोगों को, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप डैट कैन मेजर डिस्टेंसेस इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 456 मीटर, 612 मीटर एंड 2106 मीटर। एक लाइन छोड़ दीजिए डायरेक्ट, फिर यहाँ पे निकालिए एच सी एफ। देखिए थोड़ा फास्ट मूव करते हैं। तो देखिए ना बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर 6 आ गया। तो अभी तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो इट मीन्स ये ना कंटिन्यू डिवीजन मेथड से तो इसका एलसीएफ नहीं आने वाला है। तो इसका एलसीएफ हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएफ हम निकालेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से। तो कॉमन डिवीजन मेथड सीखे हैं ना आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं, तो देखिए ना जो भूल गया ना कॉमन डिवीजन मेथड एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करके लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ लिखेंगे पहले, पहली बार में लिखेंगे 456, दूसरी बार में लिखेंगे 612, फिर लिखेंगे 2106। अब इसको करते हैं डिवाइड। देखिए क्या करेंगे, इन तीनों को डिवाइड करेंगे। इन तीनों को डिवाइड कैसे करेंगे, तो पहले ये नंबर लिख लेंगे, फिर ये तीनों आते हैं टू के टेबल में, तो टू टू के टेबल में करोगे तो 228, 306, 1053 तीनों, देखिए तीनों किस टेबल में आएंगे। तो बच्चे ये दोनों आते हैं टू के टेबल में, लेकिन ये टू के टेबल में नहीं आता है, तो इसको इसको इन तीनों को टू से डिवाइड नहीं करेंगे। ये तीनों जो है ना बच्चे थ्री के टेबल में आते हैं, थ्री टेबल डिवाइड करोगे 76, 102, 351। अब देखिए ये तीनों नंबर ना किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, किसी भी नंबर के टेबल में अभी ये नहीं आएंगे। तो अब इसको क्या क्या करेंगे, तो अब देखिए तो इसको अब यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये हमारा एस एफ कितना जाएगा, एस सी एफ 2 × 3 डेट इज 6 मीटर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जॉन एंड मैरी हैव 351 एंड 837 मार्बल, मतलब कि जॉन के पास इतने मार्बल है और मैरी के पास इतने मार्बल्स हैं, ठीक है। दे मेक हीप्ड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मार्बल, मतलब कि लोग हीप बना जाते हैं, मतलब एक एक ढेर बनाना चाहते हैं जिसमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मार्बल होंगे। हाउ मैनी मैक्सिमम मार्बल कैन बी पुट इन अ हीप, बताओ एक हीप में ना, मतलब कैसे ऐसे जब ढेर बनाएंगे ना मार्बल रख रख करके, मार्बल रख करके ऐसे करके जब ढेर बनाएंगे तो बताओ एक हीप में कितने मैक्सिमम मार्बल आएंगे, कितने मैक्सिमम मार्बल्स आएंगे। तो देखिए ना मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एस सी एफ निकालेंगे। तो निकालते हैं एस सी एफ, तो देखिए तो बोला जा रहा है हाउ मैनी मैक्सिमम मार्बल, तो बोलोगे मैक्सिमम मार्बल्स
कैन बी पुट इन अ हीप इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 351 एंड 837। तो उसका एच सी एफ निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ तो एच सी एफ निकालते हैं दोनों का, तो निकाल सकते हैं। देखिए ना बड़े बड़े नंबर हैं दोनों, तो बड़े बड़े नंबर है तो हम लोग ना कंटिन्यू डिविजन मेथड का यूज़ करते हैं। तो निकालते हैं, यहाँ आ जाएगा 27 आ गया, मतलब कि एक हीप में कितने मार्बल्स होंगे, तो एक हीप में मार्बल्स होंगे 27 मार्बल्स होंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है हाउ मैनी सच हीप्स कैन बी मेड, बताओ ऐसे ऐसे कितने हीप्स मतलब कि ढेर, कितने ढेर बने होंगे इन सभी मार्बल का यूज़ करके। देखिए तो एक मार्बल मतलब कि एक हीप में 27 मार्बल आ रहे हैं, टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू, टोटल मार्बल्स कितने हैं, तो बच्चे देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जॉन के पास ना 351 और इसके पास है 837, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 351 प्लस 837 ऐड करोगे, 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, टोटल इतने मार्बल्स है। ठीक है, देखिए एक हीप में कितने मार्बल लग रहे हैं, एक हीप में मार्बल लग रहे हैं 27, तो कितने हीप बनेंगे, तो बोलोगे नंबर ऑफ हीप्स इज इक्वल टू 1188 मार्बल्स डिवाइडेड बाय 27 मार्बल्स, तो मार्बल से मार्बल कट हो गया। जब आप क्या करोगे 118 को ना डिवाइड करोगे ना 27 से, तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44 हीप। सर आपने कैसे किया, तो देखिए ना सिंपल क्या कर लीजिए, 1188 को डिवाइड कर लीजिए 27 से, तो कितना आ गया 44 आ गया। ठीक है, तो 44 हीप्स क्या बनेंगे, मतलब ऐसे थे 44 हीप्स बनेंगे और एक हीप्स में कितने मार्बल आएंगे, 27 मार्बल्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मौके थे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, टू पीसेस ऑफ वायर, दो पीस है वायर के, 20 मीटर 57 सेंटीमीटर 22 मीटर 99 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, पीसेस ऑफ हाउ मच मैक्सिमम लेंथ कैन बी कट फ्रॉम ईच, मतलब देखिए ना एक इतना बड़ा क्या है वायर है और एक इतना बड़ा वायर है, अब बताओ ना इसका कितना मैक्सिमम पीसेस कट करे और इसका कितना मैक्सिमम पीसेस कट करे कि सभी क्या हो इक्वली हो, सभी क्या हो इक्वल हो, तो मैक्सिमम पूछ रहा है ना मैक्सिमम लेंथ, तो क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे इसमें एच सी एफ। ठीक है, तो निकालते हैं एच सी एफ, तो बोलेंगे पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ वायर कितना लेंथ है 20 मीटर 57 सेंटीमीटर, तो देखिए ना इसको क्या करिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 20 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और प्लस 57 सेंटीमीटर का से छोड़ दीजिए, तो देखिए 20 × 100 2000 सेंटीमीटर प्लस 57 सेंटीमीटर डेट इज हो जाएगा ये 2057 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट वायर के पीस का लेंथ कितना है 2057 सेंटीमीटर है, सेकंड का निकाल लीजिए, बोलोगे लेंथ ऑफ सेकंड पीस ऑफ वायर कितना है 22 मीटर 99 सेंटीमीटर, 22 × 100 सेंटीमीटर प्लस 99 सेंटीमीटर, तो बोल सकते हो 2200 सेंटीमीटर प्लस 99 सेंटीमीटर डेट इज 2299 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है मैक्सिमम लेंथ कैन बी कट, तो बोलोगे द मैक्सिमम लेंथ कैन बी कट इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 20507 सेंटीमीटर एंड
2299 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एस सी एफ निकाल करके लिखिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पर निकाल लेते हैं एस सी एफ। देखिए ना बहुत बड़े बड़े वैल्यू है ना, तो देखिए बहुत बड़े बड़े वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका ना कंटिन्यू डिवीजन मेथड से निकालेंगे इसको। देखिएगा देखिए कितना आ गया इसका एस सी एफ, एस सी एफ आ गया इसका 121 सेंटीमीटर। तो 121 सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे आप, तो इसको आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को बोलते हैं 1 मीटर, 21 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 6 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये ना सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है कि लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, स्क्वायर टाइल्स आर टू बी फिटेड ऑन इट्स फ्लोर। मतलब कि स्क्वायर टाइल्स क्या करना है, फिट करना है। बच्चे देखिए ना, अगर यहाँ पर ना स्क्वायर टाइल्स लिखा हुआ है ना, इट मीन्स हम लोग निकालेंगे एच सी एफ। क्या निकालेंगे? एच सी एफ। अगर यहाँ लिखा रहता है रेक्टेंगुलर टाइल्स, तो हम लोग निकालते हैं एल सी एम। सर एल सी एम क्या होता है? तो एल सी एम हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.8 जब पढ़ेंगे तब। लेकिन आप याद रखिए, अगर यहाँ पर स्क्वायर टाइल्स लिखा हुआ है तो आप क्या निकालोगे? एच सी एफ। देखिए ना, जैसे कि एक रूम है, मान लीजिए ऐसा एक रूम है इतना बड़ा सा, उसमें क्या करना है हम लोग को? स्क्वायर टाइल्स लगाना है। स्क्वायर टाइल्स ऐसे करके स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे, तो कितने स्क्वायर टाइल्स? व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्क्वायर टाइल्स? बताना है ना कि एक स्क्वायर टाइल्स जो होगा ना, उसका ग्रेटेस्ट लेंथ कितना होगा। स्क्वायर टाइल्स क्या होता है बच्चे? जिसका ना लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है? सेम होता है। लेंथ और ब्रेथ क्या होता है? दोनों सेम साइज़ के होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो बताना है कि ना स्क्वायर टाइल्स का ना ग्रेटेस्ट लेंथ कितना होगा, वो बताना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका? हम लोग निकालेंगे इसका एस सी एफ। तो निकालते हैं इसका एस सी एफ। तो देखिए इसमें भी वही लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ ऑफ अ रूम कितना दिया हुआ है? 6 मीटर 40 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 640 सेंटीमीटर। वैसे ही निकालोगे ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ अ रूम, तो ये दिया हुआ है 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, डेट इज़ हो जाएगा ये 480 सेंटीमीटर। स्क्वायर टाइल्स तो बोलोगे साइज ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 640 सेंटीमीटर एंड 480 सेंटीमीटर। दोनों क्या निकाल दीजिए? एच सी एफ निकाल करके यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। तो ये देखिए दोनों का निकालते हैं एच सी एफ। देखिए आंसर कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर। कितना है आंसर? 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे 100 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, 60 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर कॉर्टयार्ड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सेम ये भी वही क्वेश्चन है, और इतना क्या है वो? ब्रेथ है। इतना ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा है, ये लेंथ मतलब लंबाई है, और ब्रॉड मतलब चौड़ाई है उसकी। इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर स्टोन, उसमें हम लोग को स्क्वायर स्टोन लगाना है ऑफ द सेम साइज का। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन, बताओ कितने स्टोन्स लगेंगे उसमें। तो पहले क्या करिए, पहले तो आप क्या निकालिए उसका साइज़ निकालिए। पहले क्या निकालिए? साइज़ निकालिए एच सी एफ की मदद से, और फिर उसके बाद बताता हूँ आगे कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं साइज़ ऑफ द स्क्वायर स्टोन कितना होगा। तो निकालते हैं एच सी एफ की हेल्प से। तो बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉर्टयार्ड क्या है बच्चे? ये है 20 मीटर 16 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये हो जाएगा 2016 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वैसे बोलोगे ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब ब्रेथ, तो द
ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड ये है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1560 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है इट इज़ टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर स्टोन ऑफ द सेम साइज, तो बोलोगे साइज ऑफ द स्क्वायर स्टोन इज इक्वल टू HCF ऑफ 2016 सेंटीमीटर एंड 1560 सेंटीमीटर। तो इसका HCF निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे, तो निकालते हैं HCF। तो देखिए बच्चों, इसका HCF कितना आ गया, HCF आ गया 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है डेट विल डिवाइड दिस वन एंड दिस वन। मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इसको और इसको डिवाइड करता है और लीव करता है रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो ऐसा क्वेश्चन ना हम लोग ना पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.6 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए दिखाता हूँ। तो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर मतलब होता है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। डेट विल डिवाइड दिस वन एंड दिस वन, लिविंग रिमाइंडर दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ये भी क्वेश्चन ना सेम टू सेम एक्सरसाइज 3.6 के जैसा है। देखिए ये 3.6 का ना क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा वैसे ही सेम टू सेम। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी स्क्वायर शेप्ड हैंकरचीफ ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल। अच्छा देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 9 में ना कुछ छूट गया है। बोला जा रहा है ना कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन, बताओ कितने स्टोन्स लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोलोगे नंबर ऑफ, देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि बताइए, देखिए इसमें पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन, बताओ ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर स्टोन कितने लगेंगे। तो कितने लगेंगे ना छोटे छोटे स्क्वायर स्टोन, तो बोलेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर स्टोन रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर स्टोन रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका बोलोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड अपॉन एरिया ऑफ वन स्क्वायर स्टोन। देखिए एरिया ऑफ कॉर्ट यार्ड, एरिया ऑफ कॉर्ट यार्ड मतलब कॉर्ट यार्ड का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए जो इसका लेंथ और ब्रेथ आया है ना, ये देखिए ये लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेंथ कितना है, लेंथ है इसका 2016 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1560 सेंटीमीटर, और स्क्वायर स्टोन का साइज क्या आया है, 24 24 आया है। तो यहाँ लिखिए 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। और जब क्या करोगे इसको, इससे सॉल्व करोगे ना, मतलब कि डिवाइड करोगे ना, देखिए डिवाइड करते हैं 8 के टेबल में ना, ये 3 टाइम्स में आता है 8 के टेबल में, ये 8 2 16, 16 4, 8 5 40, 252 टाइम्स में आएगा ये। ठीक है, फिर ये 3 के टेबल में, 3 3 8 24, 3 4 12, तो 24 से 84 टाइम्स में डिवाइड हो गया ये। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं ना, तो ये है 4 के टेबल में, 4 6 24, और ये 4 4 2 4 1 21 टाइम्स में, फिर ये 3 से, 3 2 6, 3 7 21,
फिर ये डिवाइड इससे होगा ना, टू से इसको डिवाइड करो, टू वन जा टू, फिर टू से टू, सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, जीरो। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया सेवन मल्टीप्लाई सेवन एट जीरो। बच्चे देखो, अगर इसको टू से डिवाइड करते हो ना, तो इसको भी टू से ही डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है, ये ना डिवीज़न है ना। अगर नहीं आता है ना आपको आपको, तो क्या करिए, आप 24 से इसको सिंपली डिवाइड किया, 24 से इसको डिवाइड करिए, और जो भी आंसर आएगा उन दोनों को क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो सेवन जीरो जा जीरो, सेवन एट जा 56, कैरी फाइव, सेवन सेवन जा 49, 49 और फाइव हो जाएगा 54। तो इतने 5, 4, 6, 0 क्या होंगे, स्टोन्स लगेंगे, स्क्वायर स्टोन्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 9 जो छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर सेव्ड हैंकर चीफ ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल साइज, स्क्वायर स्टोन सॉरी स्क्वायर शेप के हैंकर चीफ कितने रिक्वायर्ड होंगे, मतलब बिगेस्ट पॉसिबल साइज इसका क्या होगा, टू बी मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ, इतना लेंथ है और इतना ब्रेथ है। तो ये सेम टू सेम ना क्वेश्चन नंबर 9 के ही जैसे है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 से बनाए थे ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए, पहले पहले निकालते हैं हम लोग इसका SCF निकालते हैं। द लेंथ ऑफ क्लोथ कितना है, 2 मीटर 43 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करोगे ना 2 मीटर 43 सेंटीमीटर को, तो यह आ जाएगा 243 सेंटीमीटर। फिर बोलोगे द ब्रेथ ऑफ क्लोथ, ये दिया हुआ है 1 मीटर 62 सेंटीमीटर। तो यार जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 162 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बिगेस्ट पॉसिबल साइज, बिगेस्ट पॉसिबल साइज क्या होगा। तो सिंपल सा बोल दोगे, साइज ऑफ स्क्वायर शेप्ड हैंडकरचीफ इज इक्वल टू HCF ऑफ 243 सेंटीमीटर एंड 162 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका निकालते हैं HCF, तो जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ना, निकालते हैं HCF। तो देखिए क्या आ गया, आ गया 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर क्या होगा, बिगेस्ट पॉसिबल साइज हो जाएगा। फिर बोल रहा है ना, देखिए फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर शेप है, पॉसिबल साइज तो आप बता दिए, ठीक है ना, कितने स्क्वायर शेप मतलब के हैंकरचीफ बनेंगे, तो कितने बनेंगे ना, तो इसके लिए आप बोलोगे नंबर ऑफ स्क्वायर शेप्ड हैंकरचीफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोथ अपॉन एरिया ऑफ वन स्क्वायर हैंकरचीफ। ठीक है, तो देखिए ना, इसका निकालते हैं एरिया ऑफ क्लोथ क्या है, तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, इन दोनों को लिख लो। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ कितना है, 81 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 81 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 कट हो गया। अब देखिए ना, 81 1 जा 81 2 जा, ठीक है, 81 और ये ना 9 के टेबल में आएंगे, 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18, 18 6 9 7 जा 63। बच्चे देखो ना, अगर इसको 9 से कट कर रहे हो ना, तो इसको भी 9 से ही कट करोगे, ठीक है, फिर 9 1 जा 9 9 3 जा 27। तो कितना आ गया, ऊपर में है 3 क्रॉस 2, दैट इज 3 2 जा 6। तो टोटल हैंकरचीफ कितने बनेंगे, टोटल हैंकरचीफ बनेंगे आपके 6। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इसको रेड्यूस करना है। रेड्यूस मतलब होता है इसको छोटा करिए, छोटा। देखिए जो ये 134 है ना और ये 201 है ना, इसको छोटा करना है, छोटा करके लिखना है। कैसे लिखेंगे बताते हैं, रेड्यूस टू द लोएस्ट टर्म कैंसलिंग बाय HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बच्चे ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ना क्या करना है हम लोग को, हम लोग को ना इस इन दोनों के
HCF से क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। और जब आप क्या करोगे, इन दोनों के HCF से ना इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो ये ना छोटा टर्म में बन करके आ जाएगा। यहाँ पर कोई छोटा वैल्यू आएगा, यहाँ पर कोई छोटा वैल्यू आएगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझाते हैं। देखिए, तो पहले क्या बोल रहा है कि HCF निकालिए। क्या बोल रहा है, पहले HCF तो निकालते हैं। पहले HCF, तो इन दोनों का HCF किस मेथड से निकाले? देखिए बच्चे, क्या है, दोनों दो दोनों बड़े बड़े नंबर है ना, तो बड़े बड़े तो नहीं है, लेकिन है ऐसे नंबर है ना जिसका अपना HCF निकालोगे ना इस मेथड से, तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा कॉमन डिविजन मेथड से। तो क्या करिए आप, इसका निकालिए HCF किस मेथड से निकालिए आप, इसका डिवीजन कंटिन्यू डिवीजन मेथड से निकालिए आप इसका HCF। देखिए, इसको जब निकालेंगे ना, तो ना पता ही नहीं चलेगा ना कि किसके टेबल में आते हैं दोनों। आप निकाल सोचते ही रह जाओगे, टाइम खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि आप कंटिन्यू डिवीजन मेथड को फॉलो करिए। तो 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा 134। ठीक है, माइनस 11 माइनस 4 होता है 7, फिर उसके बाद होता है 9 माइनस 3 होता है 6, और ये 0 हो जाएगा। फिर 67 है, यहाँ 134 है, तो 2 टाइम्स में कितना आ गया 1। तो देखिए, HCF ऑफ 134 एंड 201 कितना आ गया, 67 आ गया। समझ में आ गया ना? देखिए ना, ऐसे आप इसको ना पता ही नहीं कर सकते ना कि दोनों नंबर किससे डिवाइड होता। कभी आप सोच सकते थे कि दोनों नंबर 67 से डिवाइड होगा, ठीक है ना? तो कभी आप सोच ही नहीं सकते इसको कि दोनों नंबर 67 से डिवाइड होगा, ये 2 टाइम्स में होगा और ये 3 टाइम्स में होगा, ठीक है ना? तो कभी आप सोच ही नहीं सकते थे। तो इस मेथड को आप फॉलो मत करिएगा, ठीक है ना? आप इस मेथड को फॉलो करिएगा तो आपसे इजीली बन जाएगा। तो दोनों का HCF निकाल देंगे। अब क्या कर रहा है, बोला बोला जा रहा है ना कि ना रिड्यूस करना है जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उन सभी को टर्म बाय कैंसिलिंग बाय द HCF, HCF से उनको डिवाइड करके। तो HCF से पहले इस क्वेश्चन को लिख देंगे यहाँ पर, फिर ऐसे करके डिवाइड डिवाइड यहाँ पर HCF जो आया है उसे लिखेंगे। ठीक है, 67 को जब इसे डिवाइड करोगे ना तो आएगा 2, और उसको जब इसे डिवाइड करो तो आएगा 3। देखिए, ये नंबर इतना बड़ा था, न्यूमरेटर 134 और 201 था, अभी कितना बन गया, 2 और 3। सर, अभी क्या और छोटा नहीं हो सकता क्या? अभी और लोवेस्ट टर्म में नहीं बदल सकता, क्यों? क्योंकि ना 2 और 3 किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2/3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, सेकेंड में है 143/234, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में आएगा 143, 4 माइनस 3 1, 13 माइनस 4 9। जब इसको डिवाइड करेंगे 143, तो ये आएगा 1 टाइम्स में 91, ये हो जाएगा 2, फिर 9 5, ये हो जाएगा 91। इसको करोगे 1 टाइम्स में 52, 11 माइनस 2 9, और ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 52, 39 माइनस 52, 12 माइनस 9 होता है 3, और 5 माइनस 4 होता है 1, सॉरी 4 माइनस 3 होता है 1। फिर करोगे 39, 39 3 जा, बल्कि 13 3 39, तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे आ गया 13 आ गया। कितना आ गया, 13। तो इसका HCF कितना आ गया, 13। दोनों को डिवाइड करोगे 13 13 से, तो जब इसको डिवाइड करो 13 से ना, तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 11 टाइम्स में डिवाइड होगा ये, ठीक है? और जब इसको डिवाइड करोगे 13 से, तो 13 1 जा 13, 13 8 जा, कितना आएगा, 11/18 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी सॉल्व करते हैं। इन दोनों का HCF निकालना है, तो 289 को डिवाइड करेंगे 1 से, 289 से डिवाइड करेंगे 391 को, 11 माइनस 9 होता है 2, फिर 8 माइनस 8 होता है 0 और 1। फिर यहाँ पर करेंगे 289, 2 टाइम्स में आ जाएगा ये 4 0 2, 9 माइनस 4 5, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ पर है 102, 85, और 16, एक बार में 85, 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 5 7, और फिर 9 माइनस 8 1। फिर जब आप 17 कैसे करोगे ना, 17 और यहाँ 85 लिखोगे, तो 17 5 जा 85 होता है 0 0। तो
तो कितना जाएगा इसका एस सी एफ? 17। तो इसका लिखोगे एस सी एफ 17 है, इसको डिवाइड करोगे 17 से, डिवाइड करोगे 17 से, 17 से इसको डिवाइड करोगे ना, तो 17 जब 29 होता है और 7 जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा ये 23। ठीक है, अब लास्ट है, लास्ट देखते हैं। 1219 को डिवाइड करोगे, 1219 से डिवाइड करोगे 1431 को, तो 1 टाइम्स में 1219, 11 माइनस 9 होता है 2, 3 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2 और 0, 212 है यहाँ, 1219 है, तो 5 टाइम्स में ये, हाँ 5 2 10 कैरी 1, 5 1 5 6, 5 2 10, तो ये हो जाएगा 9, 11 माइनस 6 5 यहाँ 1, ठीक है, फिर है ये 212, 1 टाइम्स में करोगे 12 माइनस 9 3, फिर 10 माइनस 5 5 0, तो यहाँ पर करोगे 53 है, तो 53 यहाँ 159 है, तो 53 जावा होता है 159, 0 0 0, तो कितना आ गया दोनों का एस सी एफ? दोनों का एस सी एफ आ गया 53। तो आप ये बोल सकते हो ना कि सो 1219 बाय 1431 इज इक्वल टू 1219 1431, दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 53 से, फिर जब आप इसको 53 से डिवाइड करोगे ना, तो इसके डिवीजन पे आएगा 23, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा ये 27, तो यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को ऐसे ही बनाना है, बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 13। अब मूव करते हैं एमसीक्यू पर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द एस सी एफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, तो एस सी एफ जो होता है ना वो टू को प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा होता है एस सी एफ 1 होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ना मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि एस सी एफ 2 को प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। फिर है द एस सी एफ ऑफ 12 एंड 72, तो 12 और 72 का एस सी एफ कितना होता है, तो यहाँ पे निकाल लो, यहाँ लिख लो 12, यहाँ लिख लो 72, दोनों किसके टेबल में आते हैं, टू के टेबल में, टू के टेबल में आता है ये 6 टाइम्स में, ये आता है 36 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में आते हैं दोनों 3 टाइम्स में, ये आता है 18 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में 3 बन जा और 3 6 जा, फिर अब यहाँ तो 1 है, तो 1 और 6 किसी टेबल में नहीं आते हैं, बोलोगे सर वो दोनों 1 के टेबल में आते हैं, तो कर लो 1 करोगे तो फिर से यही आ जाएगा, 1 और 6 ही आ जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, 1 और 6 तक छोड़ देते हैं। तो इसका सेफ क्या कितना आ गया, 3 2 6, 6 2 12, इसका सेफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एस सी एफ ऑफ 45 एंड 81, तो 45 और 81 का निकाल लो एस सी एफ, 45 81 दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में 15 टाइम्स में, 3 के टेबल में 27 टाइम्स में, 3 के टेबल में 5 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, फिर दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, किसी टेबल में नहीं आते हैं, मतलब ये आंसर जाएगा 3 3 9 9 इज योर आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।